गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर चंद्रता सैनी। आज हम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जो बीएड फर्स्ट ईयर का कंपल्सरी पेपर है, आज हम इसके अंदर छापांकन की स्टडी करेंगे। छापांकन का मतलब प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया छापांकन के ऊपर, तो उसमें छापांकन है क्या और छापांकन के लिए ठप्पे का जो प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही स्टेंसिल के द्वारा जो हम छापांकन करते हैं, तो उसके बारे में हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप पहले उसे देखिएगा। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसमें छापांकन से संबंधित कई विधाएँ हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो छापांकन एक हमारी प्राचीन विधा है, ये हमारी प्राचीन विधा है और इस प्राचीन विधा के अंतर्गत हम कई प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं ठप्पों के माध्यम से। तो इसमें हम ठप्पे भी लिखते हैं और या स्टेंसिल के माध्यम से भी हम जो है छापांकन का काम करते हैं। तो इसके ऊपर इसमें जो ठप्पे हैं, हमने कई जो सब्जियां हैं उसके आधार पर हमने जो ठप्पे बताए थे वो हमने बता दिया, साथ ही स्टेंसिल के द्वारा जो छापांकन करते हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। साथ ही आज के समय में जो भी ठप्पे का या कह सकते हैं कि जो छपाई का है, छापांकन का मतलब छपाई से रिलेटेड, तो जो हमारा प्रिंट है, तो प्रिंटिंग का कार्य आज हम देख सकते हैं हमारे जीवन में, हमारी बुक्स हैं, हमारी मैगजीन्स हैं, ये सब छापांकन ही है। और साथ ही हमारे जो दैनिक समाचार पत्र आते हैं, हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, हमारी हैंड बुक्स हैं, ये सारे छापांकन का ही एक एग्जाम्पल है। तो आज भी छापांकन की कई विधा हैं, अनेक विधाएँ हैं छापांकन की, इसके अलावा भी ये दो विधा हमने पिछले वीडियो में देखी थी, तो अनेक विधाएँ हैं। अब इन विधाओं में हम जो छापांकन की विधा है इसमें सबसे एक आज के वीडियो में हम लेते हैं पहली धागे के गुच्छे से छापांकन। तो धागे का गुच्छा, नाम से ही अंडरस्टूड है कि हम धागा है उसका गुच्छा बना लेते हैं और उस गुच्छे को किसी कलर में जो हमारे अनुकूल होता है, हमारे रुचिकर होता है, हमें पसंदीदा जो फेवरेट कलर होता है हमारा, उस कलर के अंदर से कलर को घोल करके उसमें उस गुच्छे को डिप करके हम उससे छापांकन लगा सकते हैं। और उसका एक दूसरा तरीका भी इस प्रकार से है कि जैसे ये हमारा हो गया पेपर, अब ये हमारा हो गया पेपर और इस पेपर के ऊपर हम क्या करें, जो धागा है उस धागे को हम कलर को घोल करके उस कलर में डिप करें और डिप करने के बाद उस धागे को हम इस तरह से हम बिछा देते हैं इस पेपर के ऊपर और उसका जो एंडिंग और स्टार्टिंग जो पॉइंट है धागे का उसको पकड़ करके जब हम यहाँ से खींच देते हैं पूरे धागे को, तो एक बहुत ही सुंदर हमारा जो छापांकन है वो भी तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी पेंटिंग भी बन जाती है छापांकन के द्वारा। तो इस प्रकार से भी हम धागे के द्वारा भी हम छापांकन कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी विधा है, इस सेकंड विधा के अंतर्गत आता है कि कागज और कपड़े के द्वारा छापांकन। तो कागज और कपड़े के द्वारा छापांकन, अब इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम कागज की बात करते हैं। तो कागज के द्वारा हम छापांकन कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया कागज या हमारा कोई भी सरफेस जिस पर हमें जो है छापांकन करना है। अब इस छापांकन के अंदर जो हमारा पेपर होता है वेस्ट पेपर, इसके अंदर हम वेस्ट पेपर ले सकते हैं, तो इस वेस्ट पेपर को हम क्या करें, क्रैश करके इस तरह से राउंड कर लें क्रैश पेपर को। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा जो है पेपर है और इस पेपर को, जैसे ये हमारा पेपर हुआ और इस पेपर को हम क्रैश करके ऐसे क्रैश कर देते हैं, हम क्रैश करने के बाद उसे कलर के गोल में डिप करते हैं और उसे इस तरह से हम जगह जगह इस तरह से उसमें
जो है कागज के द्वारा छापांकन की रिफ्लेक्ट होती है। सेम इसी प्रकार से हम कपड़े जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं जो हम वेस्ट समझते हैं उन वेस्ट को हम फेंक देते हैं तो उन कपड़ों को भी इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेस्ट क्लोथ तो इसको इस तरह से हमने क्रैश कर लिया और इसे ब्लैक कलर के कलर में डिप करके इस तरह से हम छापांकन लगा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इस प्रकार के छापांकन के जो है कपड़े के द्वारा भी इस प्रकार के छापांकन की आकृतियाँ जो है हमारे डिफरेंट टाइप की हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार हम कागज और कपड़े दोनों से छापांकन कर सकते हैं और छापांकन करने के साथ साथ हम हमारे जो अनुपयोगी साधन हैं उन संसाधनों चाहे वो कागज है कपड़े हैं या हमारा ट्रेड है धागा है इनके द्वारा भी हम छापांकन कर सकते हैं। तो ये छापांकन करने की हमारी बहुत ही ईजी तरह से मैथड कही जा सकती है जिसके द्वारा हम छापांकन कर सकते हैं और छापांकन एक तरह से कला है हमारी और इस कला के द्वारा हम हमारे जो छोटी क्लासेस होते हैं स्पेशली हमारे जो प्राइमरी लेवल क्लासेस हैं इन क्लासेस के अंदर हम ड्रामा इसके अंदर ड्रामा एंड आर्ट के अंतर्गत ये स्पेशली आर्ट है तो इस आर्ट के अंतर्गत हम इस प्रकार के असाइनमेंट बच्चों को देते हैं तो बहुत ही रुचिकर होता है और रुचिकर होने के साथ साथ ये जो असाइनमेंट है बच्चे बहुत ही रुचि लेकर के करते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने दो अन्य तरीके से भी छापांकन करना सीखा और आज का जो असाइनमेंट है इस असाइनमेंट के आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि छापांकन की विधाओं को स्पष्ट कीजिए तथा धागे के द्वारा छापांकन कीजिए। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क भी हो जाएगा जिसमें आप छापांकन कर सकते हैं और ये करिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी लगता है और बहुत ही सुंदर पेंटिंग भी इसकी तैयार होती है। और इस COVID-19 के अंदर आप जो महामारी अभी फैल रही है इसमें आप अपने आप को सुरक्षित रखिए सेफ रखिए घर से बाहर नहीं निकलिए आप सबको तो ही घर से बाहर निकलना है फेस पे मास्क लगा के रखिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखना आवश्यक है अपने हाथों को सैनिटाइज करिए बार बार साबुन से धोते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा सो थैंक यू और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का